आई एम अगेन बैक रवि दुबे ब्लॉग। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा कुछ ऐसा वीडियो आप लोग के सामने लाता हूँ जिसे देखकर आप सभी लोग खुश होते हैं। और मैंने आज तक आप लोगों को बताया नहीं कि मैं एक किक बॉक्सिंग का इंस्ट्रक्टर हूँ, और मेरे साथ मेरा एक सहयोगी मेरा दोस्त है फनीधर गोगोई। ये ताइक्वांडो क्लास के कोच है और इनका क्लास सापेकाठी में है। तो कभी इनके क्लास में मैं जाऊंगा तो आप लोगों को कैसे टीचिंग देते हैं वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अभी इनके साथ यहाँ चराईदेव डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप 2020 का जो चल रहा है, बोरहाट खोरिया भेटा एक क्लब है उसके अंदर चराईदेव जिला उशु चैम्पियनशिप चल रहा है। मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा उशु कैसे खेला जाता है। आप लोग शायद देखे ही होंगे, फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को वो दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग ऐसे देख सकते हैं मैं ग्राउंड के बगल में ही हूँ, और ये जो आप लोगों के समक्ष है वहाँ चैम्पियनशिप चल रहा है। मैं आप लोगों को वहाँ तक ले जाऊँगा और आप लोगों को सारी खेल तो नहीं बट एक दो खेल की वीडियो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। वहाँ मेरे सर जो राकेश राम सर है, मेरे गुरु किक बॉक्सिंग के और कुंफू के, वो नागालैंड कुंफू के फाउंडर हैं, और मैं उनके पास ही ट्रेनिंग लिया था किक बॉक्सिंग का। तो मैं उनसे भी आप लोगों को बाद में मिलवाऊंगा। और यहाँ बहुत सारे मास्टर हैं, वांगवा वांगशु सर, मेरा फ्रेंड देवोजीत, सबसे मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को खेल दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ ऑडियंस की काफ़ी भीड़ है, फिर भी मैं भीड़ को चीरते हुए फाड़ते हुए अंदर की तरफ जाऊंगा और आप लोगों को खेल का वीडियो दिखाऊंगा। जहान गोगोई लेफ्ट साइड राइट साइड आनंद आनंद मिक्सन ब्लू साइड go go
जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी ब्लू कॉर्नर विनर हुआ, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं राकेश राम सर, मैं उनसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो मैं अभी सर मेरे बगल में ही बैठे हुए हैं, तो मैं अभी सर के पास आया हूं। तो मैं सर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ये मेरे सर है राकेश राम सर, और वो पहले मैंने आप लोगों से मिलवाया था फणीधर गोगोई जो मेरा दोस्त था। सर से अभी मैं पूछता हूँ, क्योंकि सर अभी जो खेल जो हुआ था, सर अभी उस खेल पे जज कर रहे थे, तो मैं सर से अभी पूछना चाहता हूँ, सर कैसा लगा आपको आज ये खेल देखकर? ये हम लोग तो कुंफू का है, पर उसू भी करते हैं। तो उसू मेरा एक स्टूडेंट है आपका देवजीत बरगोहाँ, उसने ऑर्गेनाइज किया, तो मुझे बताया गया कि सर एक बार आइए आप, तो उनका मन रखने के लिए। और हम लोग को भी, अगर हम लोग भी मार्शल आर्ट का आर्टिस्ट है, तो हर जगह खेल जाना हम लोग को पसंद आता है। तो रवि दुबू के मैंने बोला, रवि जाएगा क्या, चले सर चलते हैं, तो चले चलते हैं। तो खेल तो अच्छा लगा, आप लोग भी इंजॉय कीजिए देख करके। धन्यवाद, थैंक यू राकेश सर के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया लड़के का खेल, अब लड़कियों का खेल यहाँ स्टार्ट होने वाला है। मैं आप लोगों को लड़की का खेल भी दिखाऊंगा, क्योंकि गेम जो होता है सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होता है, लड़की लोगों के लिए भी होता है। आप लोग देखिए, मार्शल आर्ट है और सेल्फ डिफेंस लड़कियों को ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ लड़की लोग भी आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग देख रहे हैं, इस खेल के बीच एक मिडल रेसी है, जो मेरा दोस्त देवजीत है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ देवजीत भी आया हुआ है। देवजीत का गौरहाट में ही खुद का एक उसू क्लब है, और देवजीत के गुरु वांगम वांगसू सर है, जिनकी लड़की, छोटी एक लड़की है, वो भी इस खेल में पार्टिसिपेट की हुई है। मैं उसका भी वीडियो इस गेम के बाद आपको दिखाऊँगा।
आप सभी लोगों को, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ इस खेल में वंगम वंशु सर की लड़की भी है, तो आप लोग देख सकते हैं जो रेड कॉर्नर में है वो वंगम वंशु सर की लड़की है और वो बहुत ही अच्छा फाइटर है और स्टेट के लिए सिलेक्ट भी हो चुकी है। मैंने जो अभी आप लोगों को गर्ल्स का वीडियो दिखाया वो मेरे दोस्त गणेश का है, गणेश दास का है, उनके क्लब के सारी लड़कियां थी और मैं उन लड़कियों से भी आपको मिलाऊंगा कैसे खेले और जिसने मतलब गेम को जीता उसे कैसा महसूस हुआ, तो मैं उन लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इन लोगों ने अभी अभी खेला और इसमें ऐसा नहीं है कि सभी जीते हैं, कुछ लोग हारे भी हैं और कुछ लोग जीते भी हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती, तो आप लोगों ने लड़कियों का फाइट भी देखा और जिसने जीता मैं उसके करीब जाता हूं, मैं भी आप लोगों के सामने उसके साथ बात करूंगा। तो मैं पहले आपको मिलवाता हूँ जो कि रेड कॉर्नर ना ब्लू कॉर्नर विनर, ब्लू कॉर्नर से विनर हुई थी गर्ल्स में वेट कैटेगरी, वेट कैटेगरी 45 केजी वेट में। तो आपका नाम क्या है? अष्टमी उड़ांग। इनका नाम अष्टमी उड़ांग है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस कितने दिनों से करती है जो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल में आके खेल रही है? इन्होंने जिसे कहा कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलने के लिए आई हूँ और मैं प्रैक्टिस जो है 2 महीने से कर रही हूँ। नेक्स्ट विनर जो है नाम मैं उनसे मिल निंद्रा, इनका नाम निंद्रा सावड़ा है। और तुम्हें कितने दिनों पर प्रैक्टिस करी है सर? 1 साल। तो ये 1 साल से प्रैक्टिस कर रही है, तो जीतने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, क्योंकि ये तो असम के लिए सिलेक्शन है ना, स्टेट गेम के लिए सिलेक्शन है। अच्छा महसूस हो रहा है। तो सारे लोग अभी मैं जो है मेरा वीडियो आज का मैं यहाँ आने वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि काफ़ी रात भी हो जाएगी, घर जाते जाते करीब मेरा घर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पे है तो रात हो जाएगी, इसलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो इन लोगों के द्वारा मैंने अब तक मार्शल आर्ट जो है वो गर्ल्स लोगों को भी सीखना चाहिए ये पहुँचाया। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखो आप पोजीशन क्या कभी अक बो दिखाले नब दे फाइट दिखाब लगे एक देखा दिया फोटो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो रवि दुबे ब्लॉग को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके आगे तक शेयर कीजिए। इतना ही कह के बाय बाय, फिर मिलेंगे।